नमस्कार किसान मित्रों, मैं आज आप लोगों को क्विट मतलब गेहूं में जो वीड्स खरपतवार हो जाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आज जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन दबा लें ताकि जो भी हम नया नया वीडियो बनाएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वीड्स का नाम है चिनोपोडियम एल्बम, जो कि बथुआ के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है ब्रॉड लीफ वीड्स होता है। आज हम बहुत सारे ब्रॉड लीफ्स एंड नैरो लीफ्स के बारे में बताएंगे कि इसका क्या क्या कंट्रोल होता है। और ये दूसरा है हिरन खुड़ी, जिसका कि आप देख रहे हैं कि इसका भी ये भी आता है ब्रॉड लीफ के कैटेगोरी में, जो कि कॉमन है व्हीट के लिए, और ये व्हीट में कॉमन पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है गेहूं के खेत में आपको देखने को मिलेगा। और ये तीसरा जो वीड देख रहे हैं इसका हल्का ब्लू ब्लू कलर का फूल होता है, इसका नाम है कृष्ण नील। ये भी जो है हमारे गेहूं के खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, जो कि इसके उत्पादन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि इसका क्या केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि वीड ख़त्म हो जाए फील्ड से और हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो चलिए हम इसका केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा और इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला केमिकल है 2,4-D, जो कि ब्रॉड लीफ के लिए होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। 0.5 से 1 केजी पर हेक्टेयर, यह गेहूं बोने के बाद में 25 से 30 दिन के बाद में आप लोगों को खेत में प्रयोग करना है। और अगर एक कट्ठा में करना चाहते हैं तो 10 से 20 ग्राम पर कट्ठा। इसका जो है एफिशिएंसी, आप जैसे 2,4-D का व्हीट में इफेक्ट कुछ देखने को मिलेगा, उसको आप मिनिमाइज करने के लिए 3% जो है यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे आप एक टैंक में छिड़काव कर रहे हैं तो उसमें 3 ग्राम के हिसाब से यूरिया मिला दें, आपको जितना मतलब खेत है उसी हिसाब से, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो भी नहीं देखने को मिलेगा और जितना भी वीड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो तीसरा वीड है ये है नैरो लीफ वीड, इसका नाम है फ्लेरिस माइनर, मतलब पतला होता है इसका पत्ती, तो इसको कि कॉमन भाषा में गेहूं का मामा भी बोला जाता है फ्लेरिस माइनर को। तो इसका भी हम कंट्रोल बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आइसोपोट्रॉन 0.75 से 1.25 केजी पर हेक्टेयर, ये जो है 20 से 25 दिन के बाद, जैसे गेहूं हम बोते हैं तो एक महीना के बाद में आपको प्रयोग करना है। अंडर लाइट सॉइल इट डोज शुड बी लिमिटेड टू 0.75 केजी पर हेक्टेयर, और जहाँ लाइट सॉइल होता है वहाँ इसका डोज जो है थोड़ा कम कर देना है। इफ़ द ग्रास इंटेंसिटी इज वेरी हाई इट्स डोज कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 1.25 केजी पर हेक्टेयर, और जहाँ ग्रास इंटेंसिटी ज़्यादा रहे वहाँ डोज बढ़ा देना है। थैंक यू, नमस्कार।